तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमोली में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में 25 गांव बर्फ से ढक गए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। संभावित बर्फबारी की और शीत दिवस की इसकी संभावना फोरकास्ट में व्यक्त की गई है, जिसके कारण कल के आंगनबाड़ियों में और सभी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की गई है। और आज भी काफ़ी बारिश का मौसम रहा और अभी भी हमारी विद्युत की और ये कई कई कुछ कुछ जगह पर हमारी बाधित हैं और बाकी उसको ठीक करने की कार्रवाई की जाए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। संभावित बर्फबारी की और शीत दिवस की इसकी संभावना फोरकास्ट में व्यक्त की गई है, जिसके कारण कल के आंगनबाड़ियों में और सभी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की गई है। और आज भी काफ़ी बारिश का मौसम रहा और अभी भी हमारी विद्युत की और ये कई कई कुछ कुछ जगह पर हमारी बाधित हैं और बाकी उसको ठीक करने की कार्रवाई की जाए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी है। संभावित बर्फबारी की और शीत दिवस की इसकी संभावना फोरकास्ट में व्यक्त की गई है, जिसके कारण कल के आंगनबाड़ियों में और सभी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की गई है। और आज भी काफ़ी बारिश का मौसम रहा और अभी भी हमारी विद्युत की और ये कई कई कुछ कुछ जगह पर हमारी बाधित हैं और बाकी उसको ठीक करने की कार्रवाई की जाए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।